गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, दिस इज योर फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम योर इंग्लिश बुक. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. इस चैप्टर में आपका चैप्टर का नाम है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब कि एकता ही ताकत है. ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि क्या है. इस चैप्टर में नन्हे मल वॉज एन ओल्ड मैन. ही हैड 4 सन्स. हिज सन्स वर ऑलवेज क्वारलिंग विद ईच अदर्स. देखो, नन्हे मल एक बुढ़ा आदमी था, एक ओल्ड मैन था. ठीक है, उसके 4 बेटे थे और उनके जो चारों बेटे थे वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ा करते रहते थे. नन्हे मल फेल्ट वेरी सैड अबाउट दिस. और नन्हे मल जो था, वो बुढ़ा आदमी जो था, उसको इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगता था, बहुत वो बुरा फील करता था कि उसके जो बेटे हैं चारों के चारों आपस में लड़ते रहते हैं. ही ट्राइड हार्ड टू स्टॉप देयर क्वारल्स. उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनका झगड़ा जो है वो रुक जाए, बट वो अपना झगड़ा नहीं रोकते थे, वो लड़ते रहते थे. ठीक है, ही सेड टू देम डू नॉट क्वारल लाइक. वो क्या बोल रहे कि ऐसे मत लड़ो, इस तरह से मत लड़ो. ठीक है, बट वो लोग क्या करते थे, उनके जो बेटे थे वो उनकी बात नहीं सुनते थे, वो झगड़ते रहते थे, झगड़. ठीक है, अब क्या हुआ कि बी गुड ब्रदर्स. उन्होंने उसको उनको अपने बच्चों को बोला कि ऐसे लड़ाई मत क्या करो, आपस में झगड़ा करोगे तो फिर क्या होगा, मतलब आपस में झगड़ा मत करो, एक अच्छे भाइयों की तरह आपस में मिलजुल कर रहो, जैसे सब भाई रहते हैं वैसे आपस में मिलजुल कर रहो. देन यू विल बी एबल टू लिव हैप्पी लाइफ्स. मतलब कि तब तुम अपनी खुशहाल जिंदगी जीने में सफल होगे, मतलब तब तुम अपनी खुशहाल जिंदगी जी सकते हो. बट द चिल्ड्रन डिड नॉट लिसन टू हिम एंड ही कुड नॉट स्टॉप देयर क्वारल्स. अब जैसे कि आप लोग लड़ते हो अपने भाई बहन से, आपके पेरेंट्स मना करते कि मत लड़ो, पर तुम लोग सुनते नहीं हो, है ना, मतलब लड़ाई करनी है तो मतलब करनी है. तो ऐसे ही उनके पेरेंट्स, उस जो ओल्ड मैन था, वो अपने बच्चों को मना करते कि झगड़ा मत करो, बट वो झगड़ा करते हैं आपस में और उसकी बात नहीं सुनते. वो क्या बोलता है ओल्ड मैन कि अगर तुम आपस में मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हारी जो जिंदगी है वो खुशहाल हो जाएगी और तुम अच्छे से जी सकते हो, बट उसके जो बच्चे हैं वो उसको नहीं सुनते. ठीक है, और अपना झगड़ा स्टॉप नहीं करते, वो लड़ते रहते हैं. सम ईयर्स पास. अब कुछ साल बीत गए. नन्हे मल फेल इल एंड वॉज अबाउट टू डाई. अब नन्हे मल जो था वो कुछ सालों बाद, मतलब कुछ साल बीत गए, तो नन्हे मल जो ओल्ड मैन था वो बहुत बीमार हो गया और मरने वाला था. ही कॉल हिज सन टू हिम एंड सेड ईच वन ऑफ यू ब्रिंग मी अ स्टिक. वो क्या बोलता है, वो मेरे चारों बेटों को बुलाता है और वो बोलता है कि सारे तुम मुझे एक एक स्टिक दो. ठीक है, द सन वेंट आउट एंड ईच ऑफ देम कम बैक विद अ स्टिक. अब सारे लोग जो होते हैं वो बाहर जाते हैं और एक एक स्टिक लेके आते हैं. ठीक है, और स्टिक मतलब लेके, वो लोग सारे लोग जाते हैं और स्टिक लेके आते हैं. द सन वेंट आउट एंड ईच, ठीक है, वो स्टिक के साथ वापस आते हैं. नन्हे मल सेड टू हिज एल्डेस्ट सन टाई दो स्टिक्स टुगेदर इन टू अ बंडल. अब नन्हे मल जो है वो अपने बड़े बेटे से बोलता है कि ये सारे जो स्टिक्स हैं वो एक बंडल में बांधो, मतलब सारी स्टिक्स को एक साथ बांधो. ठीक है, द सन टाइड द स्टिक्स टुगेदर टाइटली विद अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. अब जो जो उसका बेटा है, बड़ा बेटा, उसने क्या किया, उसने सभी स्टिक्स को बहुत टाइटली एक बंडल में बांध दिया स्ट्रिंग की हेल्प से, एक धागे की हेल्प से. ठीक है, रस्सी रोप जो होती है उसकी हेल्प से उसने वो सारी स्टिक्स बांध दी. देन ही सेड ब्रेक दिस बंडल ऑफ स्टिक्स इन द टू. अब फिर जो जो ओल्ड मैन है वो क्या बोलता है उनसे कि अपने बच्चों से वो बोलता है कि अब इनको दो टुकड़ों में तोड़ के दिखाओ. ठीक है, अब आगे क्या होता है, वो उसको तोड़ पाते हैं कि नहीं तोड़ पाते, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.